जो कि सी टेट, यू पी टेट, बी एड, डी एल एड इन सब के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। बाल विकास रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो पाया है इसमें, यह तीसरा वीडियो मैं आप लोगों को लेकर सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तक मैंने जैसा आपको बताया हूँ, 50 क्वेश्चन तक हो गया है, 51 नंबर से यहाँ से हम देख रहे हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है, ठीक, कहाँ पर, वो कौन सी जगह है? तो खेल के मैदान में, खेल के मैदान में वह वहाँ जा कर के समाजीकरण का नियम सीख लेता है। आपस में जैसे यहाँ बात कहा गया है कि आपस में सहयोग करना, ये सब समाजीकरण जो है यही है। अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये सब खेल के मैदान में सीखता है। तो बच्चों को खेलने देना चाहिए, पर्याप्त तो खेलते हैं तो वहाँ से ये सब सारी चीज़ों को सीखा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 में, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? तो यह किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जाने के बाद बालक के अंदर ये नकारात्मक सोच आने लगते हैं। 53 क्वेश्चन में, 53 में क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो ये कर्ट लेविन ने दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मन के विद्वानों का समूह, एक समूह है, एक जो गेस्टाल्टवादी हैं, एक समूह है जिसमें कौन कौन है? कोहलर, कोफा, वर्दिमर, ठीक, ये तीन लोग इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह संज्ञानवादी। 56 क्वेश्चन पे हो गया, 57 पे आते हैं, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीन नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान, ठीक है। 58, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो उसमें जो क्षेत्र का अर्थ है वो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र, ठीक है, ऐसा स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये सब उस सिद्धांत में आते हैं। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने दिया है, अधिगम का जो श्रेणीक्रम सिद्धांत है, ठीक, तो ये कौन दिया? ये गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय में थे? संज्ञानवादी में थे। क्वेश्चन नंबर 61, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, मैं पहले बता चुका, 350 ग्राम, और वयस्क का कितना था? 1400 ग्राम। दो बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? जो पहली बार आता है वो है 20, ठीक है। तो जब पहली बार आया टूटा, फिर दूसरी बार आएगा फिर टूटेगा, तो सॉरी दूसरी बार फिर आएगा, तो दो बार कौन आया? ये 20 थे वहीं, जो 20 बाद में आए, ठीक है, तो दो बार आने वाले पूछे, चाहे वहीं कहें अस्थायी दांतों की संख्या, तो 20 होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या किसका कथन है? ये अवस्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बार बार बोलते हैं, तो कौन बोलते हैं? अरस्तु कहे थे। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में, अभी अभी हम बताएं कि ये कहाँ पे होता है, तो ये मैदान में होता था, ठीक। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में जाकर के पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था में। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 68 में, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? अभी जो बताए हैं अभी, एक किशोरावस्था में ही होता है। सामाजिक, कुछ क्वेश्चंस में रिपीट हो गए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन टाइपिंग में इधर हो जाता है, इसलिए ऐसा आ जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो वंडूरा और वाल्टर ने। मनोसामाजिक विकास था उसका सिद्धांत से दिया, ए इरिक्सन ने दिया था, ठीक। 71, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो 3 वर्ष, 3 वर्ष से नीचे बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जा सकता, भेजना ही नहीं चाहिए, 3 वर्ष है कम से कम में। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष। 73 में क्या है? शर्म की अवस्था कहता है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बच्चे शर्माने लगते हैं। अनुकरण माने सीखने, कर करके जो उसका कहते हैं ना कि उसको देखते देखते उसका अनुकरण करते करते सीख गया, तो शैशव अवस्था में ज़्यादा होता है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में स्वप्रेम की भावना ज़्यादा होती है। तो देखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखें आप, ठीक, जितना उसको पानी बचाएं, और इस पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग भी विशेष ध्यान दें कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक नया समाज निर्माण करेंगे, तो उसमें कम से कम इसको हमको सबको मिल करके अपना जो भी जितना भी आज